वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में। दोस्तों, चमत्कारी टोटके चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे चमत्कारी टोटके, आयुर्वेदिक उपाय, कुछ ऐसे चमत्कारी टोटके जो आपके जीवन से हर तरह की परेशानी और कठिनाई को दूर कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बारिश के पानी से ये अचूक टोटके, और गारंटी है कि आपके सभी काम बन जाएंगे बारिश के इन टोटकों से। दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और इस बार तो जोरदार बारिश से सभी का दिल खुश हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि बारिश का पानी आपकी जिंदगी में खुशहाली भी ला सकता है। दोस्तों, असल में तंत्र साधना में बारिश के पानी के कुछ खास टोटके बताए गए हैं जो व्यक्ति की तकदीर मिनटों में बदल सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं बारिश के टोटके जो आपके जीवन के हर प्रकार के दुख को खत्म कर देंगे और आपके जीवन में ला देंगे ढेर सारा सुख ही सुख। तो आइए जानते हैं। टोटका नंबर एक, बारिश का पानी कितना लाभकारी है ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। यदि आप अचानक धन लाभ चाहते हैं तो आप घर के ईशान कोण में बारिश का पानी संचित कीजिए। किसी भी तरह से घर के इस हिस्से में कोई टंकी या कुछ बनवा कर यहाँ बारिश का पानी जमा करें, आपको अचानक धन लाभ होगा। टोटका नंबर दो, अगर आपका व्यापार पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा है तो आप एक काम कीजिए, एक साफ पीतल के लोटे या बर्तन में बारिश का पानी जमा कर लीजिए और इस जल से लक्ष्मी जी का अभिषेक कीजिए, साथ में लक्ष्मी जी की आरती पढ़ें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। टोटका नंबर तीन, दोस्तों अगर परिवार में कलेश रहता है और सुख समृद्धि नहीं आ रही है तो आप विष्णु भगवान पर बारिश का पानी चढ़ाएं और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें कम से कम 108 बार, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। टोटका नंबर चार, दोस्तों यदि आपको लगता है कि घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो आप बारिश का पानी किसी बर्तन में ले लीजिए और इस पानी को साफ जमीन पर रखकर कम से कम 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, बाद में इस जल को सारे लोगों पर और सारे घर में छिड़क दें, आपको इसका आश्चर्यजनक लाभ होगा। दोस्तों यदि आपको कोई पुराना रोग है जो सही नहीं हो रहा है, अगर ये रोग सर्दी से जुड़ा नहीं है तो आप बारिश के जल में नहाते वक्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 1000 बार करें, यदि वर्षा रुक भी जाए तो आप मंत्र जाप करते रहें, आपको लाभ जरूर होगा। टोटका नंबर छह, अगर आपके ऊपर कर्ज है और आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं तो दोस्तों बारिश का पानी किसी बाल्टी में जमा करें और इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दें, इसके बाद आप अपने इष्ट देव को याद करते हुए इस पानी से नहा लीजिए, जल्द ही आपको कर्ज से राहत मिल जाएगी। टोटका नंबर सात, अगर घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों बारिश के जल में गणेश भगवान का जलाभिषेक कीजिए, साथ में गणेश जी की आरती करें, ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। टोटका नंबर आठ, बारिश के जल से संबंधित एक खास बात ये है दोस्तों कि बारिश सावन के महीने में जरूर होती है। अगर इस माह में कोई व्यक्ति बारिश के पानी से शिव भगवान का जलाभिषेक करता है तो उसके सभी दुख दूर होने लगते हैं। तो दोस्तों ये थे बारिश के टोटके, अगर कोई व्यक्ति बारिश के जल से ये टोटके करता है तो निश्चित रूप से उसको लाभ होता है। तो अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो आप ये बारिश के टोटके जरूर करें और इन टोटकों का लाभ उठाएं। दोस्तों देखते रहिए चमत्कारी टोटके चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।